हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिकली थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये आपके सिलेबस में फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में भी हो सकता है। सो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द डिसिप्लिन विच डील विथ द कंप्यूटेशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्रॉम द डाटा on the microscopic properties of individual atoms or molecules is called statistical mechanics or statistical thermodynamics. So basically ये जो है हमारा basic point है जिसमें जो है पैराग्राफ से ये पता चलता है कि जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसमें किसी भी इंडिविजुअल एटम्स या उसके मॉलिक्यूल्स के किसी भी सैंपल जो हमको दिया रहेगा उसके प्रॉपर्टीज की गणना की जा सकती है, उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की गणना की जा सकती है। सो बेसिकली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल के उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की गणना की जा सकती है। तो ये जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक पॉइंट है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैन बी अप्लाइड इजिली टू सिंपल आइडियल सिस्टम सच एज मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक गैसेस। ठीक है, बहुत सिंपल ये इजिली अप्लाइड होता है सिंपल आइडियल सिस्टम जैसे कि मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक गैसेस में। उसके बाद टाइप ऑफ स्टैटिक्स, सो डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस एनकाउंटर इन नेचर आर डिस्क्राइब बाय थ्री टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो जो हमारे नेचर में बहुत सारे फिजिकल सिचुएशंस होते हैं उन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए तीन प्रकार के स्टैटिक्स हैं। पहला हमारा क्लासिकल स्टैटिक्स में आता है द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फिर एमबी स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। एंड सेकेंड है हमारा द बोस आइंस्टीन आर बीई स्टैटिस्टिक्स। एंड थर्ड है हमारा फर्मी डिरैक जिसे एफडी स्टैटिस्टिक कहा जाता है। ये क्वांटम स्टैटिस्टिक के अंतर्गत आते हैं, ये द बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो ये जो है तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे स्टैटिस्टिक के टाइप हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और एमबी स्टैटिक्स के बारे में, इसका कंप्लीट जो है डेरिवेशन निकालेंगे। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या कहलाता है, इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग एनर्जी लेवल एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू इटीसी। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर द प्लेसिंग एन जीरो पार्टिकल्स इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एप्सिलॉन जीरो एन वन पार्टिकल्स इन द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल एप्सिलॉन वन एंड एन टू पार्टिकल्स इन द सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल एप्सिलॉन टू एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का अगर हमको जो है डेरिवेशन निकालना है तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं एक सिस्टम जिसका नाम है एन, जहां पे जो है साफ जो है पार्टिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है, ऑक्यूपाइंग वहां पे इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल जो है इस सिस्टम में, एनर्जी लेवल को हम जो है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू से जो है हम दर्शाए हैं, जहां पे एन जीरो पार्टिकल जो है हमारे फर्स्ट जो है एनर्जी लेवल एप्सिलॉन जीरो में एन जीरो पार्टिकल्स पाए जाएंगे और एप्सिलॉन टू में जो है एप्सिलॉन वन एनर्जी लेवल में हमारे एन वन पार्टिकल्स और एप्सिलॉन टू एनर्जी लेवल पे जो है एन टू पार्टिकल्स पाए जाएंगे एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये जो है एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा तो उसमें जो है हमारे पार्टिकल्स की संख्या, पार्टिकल्स को हम ऐसे कंसिडर करते जाएंगे। उसके बाद इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ऑफ द गिवन माइक्रोस्टेट। तो ये जो हम माइक्रोस्टेट जो एक सिस्टम हम कंसिडर करेंगे उसमें उसमें इस प्रकार के जो हमारे एनर्जी लेवल्स और उसमें जो पार्टिकल्स की संख्या होंगे उसको जो है हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस माइक्रोस्टेट में। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है। अब हम इसका जो है डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ये हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो ये जो है हमारा
थर्मोडायनेमिक जो प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू है इसको हम इक्वल टू ये हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल एन एन आई फैक्टोरियल होगा इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन पाई एन वन फैक्टोरियल। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा जहां पे एन इक्वल टू सम ऑफ एन आई एंड द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इज गिवन बाय डब्ल्यू इक्वल टू एन फैक्टोरियल पाई जी आई एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू कॉन्स्टेंट। ये हमारा सेकेंड जो है इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए इस प्रकार से हम जो है एक डेरिवेशन एक प्रकार का ये इक्वेशन है जहां पे n बराबर सम ऑफ एन आई है और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इज गिवन बाय दिस दिस इक्वेशन। ओके, इट इज वेल नो दैट द एंट्रोपी s एंड प्रोबेबिलिटी w ऑफ द गिवन स्टेट ऑफ सिस्टम आर रिलेटेड बाय द बोल्टेजमैन इक्वेशन। सो जो हमारा मेन बोल्टेजमैन इक्वेशन निकलेगा उसमें एंट्रोपी s और प्रोबेबिलिटी w दोनों जो है ऑफ गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम आर रिलेटेड बाय द बोल्टेजमैन इक्वेशन। तो इसके रिलेशन को हमको दर्शाने के लिए जो हमारा एंट्रोपी s इक्वल टू k log w इक्वेशन थर्ड हो जाएगा ये, द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी अ मैक्सिमम s इक्वल टू k ln w मैक्सिमम होगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए हमारा इक्वेशन फोर्थ है। उसके बाद नाउ फाइंडिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन डेट विल w अ मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। तो जो हम मैक्सिमम फाइंडिंग कर रहे हैं तो ये हमारा डी लेन, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू का मैक्सिमम यहाँ पे नाउ फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल मेक डब्ल्यू अ मैक्सिमम। सो यहाँ पे जो हम फिर संतुलन में करेंगे ये जो इक्वेशंस को, तो ये हमारा डी लेन इक्वल टू डेल लेन डब्ल्यू अपॉन डेल एन वन डी एन वन प्लस डेल डेल लेन डब्ल्यू अपॉन डेल एन टू डी एन टू प्लस ये फिर उसके बाद डेल एन डब्ल्यू अपॉन डी एन थ्री डी एन थ्री एन सो ऑन। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी लेन डब्ल्यू बराबर ये हमारा एक इक्वेशन निकलेगा इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन फाइव हो जाएगा। उसके बाद अगर इफ वी कंफाइन अवर इन्वेस्टिगेशन टू अ क्लोज सिस्टम, अब इतने अभी तक हम जो है ओपन सिस्टम के लिए जो डेरिवेशन निकालते थे, अगर हम अपने इन्वेस्टिगेशन को कन्फाइन करेंगे, ठीक है, सीमित करेंगे एक क्लोज सिस्टम में ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए, इट वुड मीट द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर हम क्लोज सिस्टम के लिए इसको डिस्कस करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है। पहला तो है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट। सबसे पहले जो जितने भी उस क्लोज सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो एन इक्वल टू सम ऑफ एन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ आई रहेगा, ये हमारा इक्वेशन सिक्स है। उसके बाद द टोटल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये हमारा इक्वेशन सेवन। एंड द कॉन्टेंसी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंप्लाइज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तात्पर्य है डी एन इक्वल टू सम ऑफ डी एन आई इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन एट हो जाएगा। उसके बाद एंड द कॉन्टेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी इंप्लाइज दैट डी यू इक्वल टू सम ऑफ एप्सिलॉन आई एंड डी एन आई इक्वल टू जीरो, हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नाइन है। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन टू, ओके, अब यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन टू लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स तो वी गेट, तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा इक्वेशन सेकेंड है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का जो हमारा मिला था उसको जब हम लॉगरिथम करेंगे दोनों साइड का, तो ये हमारा जो है लॉग निकालने के बाद ये इक्वेशन आएगा इक्वेशन 10 प्लस कॉन्स्टेंट करेंगे। सो हियर वी इनवोक, यहाँ पे जो है हम फिर लागू करेंगे स्ट्रिलिंग अप्रोक्सीमेशन को, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, लार्ज एक्स जो है हमारा लेन एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स लेन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 11 आ जाएगा। उसका यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन फॉर लेन एन आई फैक्टोरियल इक्वेशन 10 बिकम, जो हमारे 10वां इक्वेशन है, इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, ये इक्वेशन प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एन माइनस है, ये एन प्लस है, ये कट जाएगा, तो ये हमारा लेन डब्ल्यू बराबर जो हमारा ये लॉगरिथम जब निकालेंगे डब्ल्यू का मैक्सिमम का हम ओपन सिस्टम में निकालते हैं, हमें एल ओनली लेन डब्ल्यू का निकालेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 12 आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद हमारा
ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे जो जो हमारा इक्वेशन 12वां निकला था उसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे एंड बियरिंग इन माइंड दैट एन एंड जी आई आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि जो एन और जी आई है ये हमको इसको कॉन्स्टेंट लेना है, तब हम जो है ये वाला हमको इक्वेशन प्राप्त होगा। नाउ वी गेट दिस इक्वेशन, इट्स इक्वेशन 13 एंड नाउ नाउ सम ऑफ एन आई ln n n i n i equal to sum of n i d n i upon n i equal to sum of d n i equal to 0, ये हमारा इक्वेशन 14 है। हेंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको जो है संतुलन में करेंगे तो ये d ln w equal to sum of ln g i d n i minus sum of ln n i d n i equal to 0, ये हमारा इक्वेशन 15 प्राप्त होगा। उसके बाद इक्वेशन 15 गिव्स द चेंज इन लैन डब्ल्यू विच रिजल्ट व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन चेंज एनर्जी लेवल इज वेरिड। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 15 जो है ये चेंज इन लैन डब्ल्यू विच रिजल्ट व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच एनर्जी लेवल इज वेरिड। ठीक है, इस इक्वेशन से हमको जो हर एक एनर्जी लेवल्स में जितने भी पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो वेरिड हो जाएंगे, हमको प्राप्त हो जाएंगे बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स रीराइट इक्वेशन 15 वी हैव। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स करेंगे तो बाय अप्लाइंग ये मेथड यूज करेंगे तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होगा इक्वेशन 15 से। तो ये इक्वेशन 16 है, ये सम ऑफ लैन जी आई अपॉन एन आई एन डी एन आई। उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन 8 इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। ठीक है, जहाँ पे हमारा कॉन्टेंसी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे बाय द ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट अल्फा एंड बीटा एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 16, सो वी गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन 17। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो 8वां 9वां हमारे जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम ऑर्बिट्री कॉन्स्टेंट अल्फा और बीटा लेंगे एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 16 में, तो हमको ये जो है मेन एक इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन 17। अब नाउ, अब थोड़ा सा और है, ये जो हमारा नाउ सेट ईच ऑफ द कोफिशियंट ऑफ डी एन आई इन इक्वेशन 17 इक्वल टू 0, सो दिस इज सो यहाँ पे हमारा लैन जी आई एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब ये पक्षांतर होगा तो लैन जी आई एन आई इक्वल टू ए प्लस में आ जाएगा प्लस बी एप्सिलॉन आई एंड इसको लैन एन आई इक्वल टू लैन जी आई माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो यहाँ पे हमारा एन लॉग को हटाएंगे दोनों साइड से, तो यहाँ हमारा एन आई इक्वल टू जी आई ई, ये हमारा जो है वर्ग में चला जाएगा माइनस ए, ठीक है, घात में चला जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। सो इक्वेशन 18, तो ये हमारा जो है इक्वेशन 18 है। सो इक्वेशन 18 विच इज वन फॉर्म ऑफ द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर अ माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 18 जो है एक प्रकार का बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस का एक मेन फॉर्मूला है जिसका यूज करके जो है जो हमको जो किसी भी माइक्रो स्टेट का जो है एक मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस प्राप्त करता है। तो बेसिकली ये जो है हमारा मेन फॉर्मूला है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, ये डेरिवेशन का। सो ये था हमारे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पहला टॉपिक मैक्सवेल का, जो डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस का फर्स्ट ये था। उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम और जो बाकी दो मेथड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये जो है डेरिवेशन है मेन, सो डेरिवेशन आपको ऐसे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आप अगर इस नोट्स को आप अपने कॉपी में उतार लीजिए या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, आप प्लीज वहां से उतार सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसको एक साथ जब सबको पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। और ये एक हैंडमेड्स नोट्स है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो अगर यूजफुल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।